सेब आरती द्वारा बागवानों से की गई ठगी पर सरकार की ओर से ठोस कदम न उठाए जाने से नाराज हिमाचल किसान सभा जंग के मूड में है। रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान किसान नेताओं और आरतियों की ठगी का शिकार हुए बागवानों ने कहा कि लंबे समय से बागवानों का सेब का करोड़ों रुपए बकाया आरतियों के पास फंसा है, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है। सेब आरतियों द्वारा बागवानों से की गई ठगी पर सरकार की ओर से ठोस कदम न उठाए जाने से नाराज हिमाचल किसान सभा जंग के मूड में है। रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान किसान नेताओं और आरतियों की ठगी का शिकार हुए बागवानों ने कहा कि लंबे समय से बागवानों का सेब का करोड़ों रुपए बकाया आरतियों के पास फंसा है, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है। न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार ने ठगी करने वाले आरतियों को पकड़ने के लिए SIT का गठन किया है, लेकिन अब तक चंद ठग ही उनके हाथ आए हैं। उन्होंने बताया कि जो आरती अभी हिरासत में है वे बाहर ना निकल पाए, इस तरह के प्रयास SIT करे ताकि ठगी करने का सपना लेने वाले आरतियों में डर बना रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 10 दिसंबर तक किसानों का पैसा नहीं मिलता है और ठगी करने वाले आरती पकड़े नहीं जाते तो नारकंडा में नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। अपने काम नारकंडा में आरती और लादानी करोड़ों का घोटाला करके निकल जाते हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। बमनोली के रमेश ने बताया कि सिलारू में आरती को अगस्त में नारकंडा में आरती को 2 लाख के सेब दिए, लेकिन भुगतान अभी तक नहीं किया है। सरकार जल्द बकाया दिलाने का प्रयास करे। मेरा नाम रमेश चंद शर्मा है जी, गांव बमनोली डाकाना खुनी। तो मैंने अगस्त महीने मैंने सेब नारकंडा मंडी में सेब बेचे थे, जो कि हमें अभी तक पैसा नहीं मिला है, जिसका अमाउंट 2 लाख रुपए बनता है। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें राशि दिलाई जाए जल्दी से जल्दी। नागादर के दीवान ने बताया कि दारू में आरती को 4 लाख के सेब बेचे, लेकिन भुगतान नहीं किया गया, इसलिए वे आंदोलन के लिए मजबूर हैं। जी, मैं नागादर टपरो से रहने वाला हूँ। मैंने VFT शिलारू में सेब बेचे थे तो 4 लाख का वो है, तो सरकार अभी तक उसके ऊपर कोई वो नहीं कर रही है, तो इसीलिए हम आज प्रेस इसमें आए हैं। तो बाकी कार्रवाई अब प्रशासन जो है हमारे, तो क्या इससे पहले कोई उनका सरकार की ओर से चेक नहीं हुआ था इन आज? कुछ नहीं हुआ जी, इसके लिए हम आपसे ये करते हैं कि आप। किसान सभा ननखड़ी के अध्यक्ष राजीव ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से ऊपरी क्षेत्र में आरती बागवानों से सेब लेकर भुगतान नहीं कर रहे हैं। सरकार और APMC की उदासीनता के कारण आरती किसानों से लूट करते हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कई किसान सेब का पैसा ना मिलने से आत्महत्या करने पर मजबूर है। राजीव चौहान है, मैं किसान सभा ननखड़ी का अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, नारकंडे के अंदर पिछले 10 वर्षों से जो लूट घसूट चली है, जिसके तहत लोगों की जो पेमेंट है नहीं हो रही है, हम APMC से और सरकार से ये मांग करते हैं कि लोगों के जो पेमेंट है वो तुरंत की जाए, और जो बाकी जो खरीदार है और जो आर्थी है उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, ताकि आने वाले वक्त में ऐसी जरूरत ना पड़े कि लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो या उन्हें कुछ दूसरा कदम। किसान सभा रामपुर सचिव प्रेम ने बताया कि आरतियों द्वारा किसानों से ठगी लगातार की जा रही है। इसके बारे में किसान सभा ने सरकार और APMC को समय समय पर सचेत भी किया है, लेकिन सरकारी तंत्र की मिली भगत ने आरती किसानों को लूटते रहे। हजारों किसानों का करोड़ों रुपए आरतियों के पास फंसा है। किसान अब आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर को नारकंडा में किसान चक्का जाम करेंगे। SIT से भी मांग है कि जिस आरती को पकड़ा है वे छूटे नहीं, ऐसा प्रयास हो। आरतियों द्वारा ठगी की जा रही है और इसको लेकर हमने समय समय पे किसानों ने, बागवानों ने, सरकार, प्रशासन और जो APMC है उनको हमने समय समय पे इसकी शिकायतें दर्ज वहाँ पे की है। और परंतु अगर हम देखते हैं कि जो सरकार है और APMC है उनकी मिली भगत से आज ये स्थिति वहाँ पे पैदा हो गई है कि हजारों की संख्या में वहाँ किसानों के पैसे, करोड़ों अरबों रुपए वहाँ पे किसानों के अभी तक फंसे हुए हैं। और एक ऐसी स्थिति वहाँ पे आ गई है कि अगर ये पैसे
किसानों के समय पे नहीं मिलते हैं, बहुत सारी किसानों की दिक्कतें हैं, उन्होंने आगे पेमेंट लोगों की करवानी है, वो चाहे नेपाली लोगों की हो, वो चाहे मशीन वालों की हो, वो चाहे पेटी वालों की हो, और किसी के घर में शादी हो, ब्याह हो, परंतु ये पैसा अभी तक वहाँ से हमें इस तरीके से नहीं मिल रहा है। और जिससे क्या हो रहा है कि किसान इतना मजबूर हो रहा है कि वो आत्महत्या करने पर भी किसान मजबूर हो रहा है।